बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। कल यानी शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण का श्रेय पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को दिया था। इस पर मायावती भड़क गई और उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष की बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस के झूठ को जाकर करते हुए बसपा चीफ ने कहा कि नेहरू और गांधी जी की वजह से नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला। कांग्रेस के लोगों ने तो बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा था और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। इससे साफ होता है कि कांग्रेस SC/ST उप वर्गीकरण के पक्ष में है। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। इसके बाद BSP चीफ ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से रिजर्वेशन दे सकती हैं और इसके बाद दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। इससे बचने के लिए हमारे समाज के सभी सांसदों और विधायकों को एकजुट होना चाहिए। वहीं मायावती ने बताया कि दलितों के लिए आरक्षित पद सालों तक खाली रखे जाते हैं और फिर उन पर सामान्य लोगों को रख लिया जाता है और जैसा कॉन्ट्रैक्ट पर अब नौकरी दी जा रही है और इसमें रिजर्वेशन लागू ही नहीं होता। रिजर्वेशन की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी SC और ST लोगों को आरक्षण मिले। उन्होंने बाकी पार्टियों पर सवाल उठाते हुए कहा, कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अब तक चुप क्यों है? कांग्रेसी सरकार ने अब तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? और बात रही आम आदमी पार्टी की तो उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और प्रमोशन में आरक्षण आप सबने समाजवादी पार्टी का रुख देख लिया है।